मैं हूँ विशाल, आप देख रहे एलिट म्यूजिक। गाना सिखाने जा रहा हूँ मैं केसरिया। नोट्स बहुत दिनों पहले मैं ऑलरेडी कवर बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक ही है कि मैंने पूरा गाना कैसे प्ले किया है। ठीक है, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट लाइन थी, मुझको इतना बता दे कोई, पप ग ग को सस्टेन करना है, होल्ड करना है, पप ग रे ग म ग रे सा नि सा। नोट्स पूरे गाने के मैं बता रहा हूँ, लिटरली उसको गा के भी बता रहा हूँ, और आपको जो है कैसे प्ले करना है सारेगामापधनिसा, इसका भी सेकंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देखिए आप। पहले लिंक में केसरिया गाना मैंने ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ, दूसरे लिंक में हारमोनिका के ऊपर, ठीक है, जो कि 12 होल है, यहाँ पर 12 होल हारमोनिका कैसे बजाना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप अगर टावर का बजा रहे हो जो 24 होल है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि उस पर सारेगामापधनिसा कैसे बजाना होता है, कहाँ होता है एग्जैक्टली, प डॉट कहाँ है, रे कहाँ है, ग कहाँ है, म कहाँ है, बड़ा ईजी होता है। और 12 होल पर भी सारेगामा कहाँ होता है एग्जैक्ट पोजिशन, वो भी दे दिया है, ठीक है, 12 होल की भी और 24 होल की भी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्स्ट लाइन तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, ये भी सेम ही प्ले करना है, देखिए कैसे है, थोड़ा सा अलग अगर अंतर है तो कैसे है। पहले जो स्टार्टिंग है वो प ग रे ग म ग रे सा नि सा, ये फर्स्ट लाइन थी, मुझको इतना बता दे कोई। अब जो सेकंड लाइन है उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो है प ध प ग, तो प ध जुड़ा हुआ है, प ध नीचे है डॉट वाला, प ध ये पो, समझ गए। देखो प को मैंने ब्लो किया है, ध को ऊपर खींचा है, वो मैंने सब बता दिया आपको, वहां पर आप नोट्स देख सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट कौन से विंडो में बजाना है वो भी वहां पर सिखा दिया है। तो प ध प प ग रे ग म ग रे सा नि सा, अब जो है थर्ड लाइन, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया, ये है सारे ग प म ग सारे ग प म ग सारे ग प म ग रे सारे। ठीक है, इसको आप वापस वापस मैंने जो बोला उसको रिपीट करके सुनो। ठीक है, देखो सारे ग से अब इसको वापस वापस दोहराओ, पीछे करो वीडियो को वापस देखो, पीछे करो वीडियो को वापस देखो, मैं फिर से नहीं बजाने वाला। कर दी है, नहीं सॉरी, उसके बाद की लाइन है खाली तिजोरियों के बाद, काजल की स्याही से लिखी, वो रिपीट है बिल्कुल एग्जैक्टली, सिर्फ लिखी है तूने जाने, उसका थोड़ा अलग नोटेशन है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी या, ठीक है, वहां पर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखो काजल की, वही रिपीट है, सारे ग प म ग सारे ग प म ग सारे ग, यहां तक तो रिपीट है, ठीक है, काजल की स्याही से लिखे, मतलब सारे ग प म ग सारे ग, लेकिन है तूने जाने उसमें होगा प म ग रे सा, है ना, है तूने जाने प म ग रे सा। कितनों की लव स्टोरी या, प ध सा सा रे प ध सा रे ग ग म ग रे, तो एक्चुअली इसको प ध सा सा ऐसे, प ध सा सा रे ग ग म ग रे, प ध सा सा रे ग ग म ग रे, ये सबसे मुश्किल है, प ध सा सा रे ग ग म ग रे। ठीक है, प ध सा सा रे ग ग म ग रे, कितनों की लव स्टोरी या,
पध सा सा, प के नीचे ध के नीचे डॉट, पध सा सा रे ग ग म ग रे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, तो इसका है सा ग रे ग रे नी सा। केसरिया तेरा सागर गरे गरे निसा, इश्क है पिया प प प ध मा गरे, प प प ध मा गरे, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, रे रे नि रे ग म ग सा, रे रे नि रे ग म ग सा, रे नि रे क्योंकि रे को भी खींचना होता है, नी को भी खींचना होता है, इसलिए रे रे नि रे ग म ग सा। ये बड़ा कठिन हो गया है, बहुत ज्यादा कठिन। नि रे ग म ग सा, नी के नीचे डॉट है क्योंकि नी को भी खींचना है, रे को भी खींचना है, ग को ब्लो करना है, म के बाद फिर से ग को ब्लो करना है, वो जरा कठिन हो जाता है। नी रे ग म ग सा हाथ लगाऊं, अब दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, ये रिपीट होगा केसरिया तेरा की तरह। रे न सारी तेरी खैर मनाऊं, रे रे नि रे ग म ग सा, वो भी सेम बिल्कुल रिपीट। खत्म। तो आप इसको प्ले करो, अच्छे से सीखो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, आज के लिए इतना ही, बाय।